بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा अनअमना लिल इंसानी आदा ज़ुना बिजानिबिही वइज़ा मस्सहुश्शर्रु काना यऊसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की 30वीं आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला इंसानों के नफ्सियात और इंसानों की जो है जिबिल्लत होती है उसको जो है ज़ाहिर किए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ा अनअमना लिल इंसान, हमने इंसान को जब इनामात इकरामात रहमतों और खुशियों से सरफराज करता है तो इंसान जो है वो वाजान जानब ही तो वो करवट बदल देता है और वो उसकी उसको अपने से मनसूख कर लेता है और वो जो है पूरा जो है इनामात अल्लाह के रहमतों का पूरा जो है वो अपने ऊपर लेता है कि मेरे बैठा करने से ऐसा हुआ ये उसकी एक सोच होती है। और जब कभी उसके ऊपर बुरा वक्त आता है, कुछ तकलीफ़ पहुँचती है तो फिर वो शिकवा गिला करने लगता है और मायूस हो जाता है। तो ये कुरान की आयत है, ये इंसानी फितरत को अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इजहार किया। अब उसके साथ अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पे ये बात बता दी कि मोमिन की ये सिफात नहीं होती, ये दूसरे लोगों की होती है जो इनाम पाके जो है खुशी से जो है वो
अल्लाह को भूल जाते हैं और मायूस हो जाते हैं तकलीफ के दिनों में। लेकिन मोमिन की यह सिफात नहीं होती। मोमिन जो है हमेशा जब उसको खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जब गम आता है कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसको आजमाइश समझता है और उसको उस पर सब्र करता है। ये मोमिन की सिफात है। इंशाल्लाह तफसील से जो है ना आप आज के सीरत तैयबा के जो है उनवान पर जो है उम्मत मुस्लिमा के आप सुनेंगे। आज के हमारे मुखबिर जनाब ई इस्माइल साहब हैं और वो रिटायर्ड जज हैं, माहिर क़ानून हैं, मजीद तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं, शहर की मरूफ शख्सियत हैं, खानुमदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अखिलियती कमीशन के अंदर आपका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी आयली मसाइल मुसलमानों के अंदर ख़ानदानों के अंदर छोटी छोटी बातों पर जो हुआ करते थे, आप उसको बड़े मसलहतन अंदाज में कई ख़ानदानों को जो है आपने राहत बख्शी, अपने फैसलों से सबको जो है किया। तो अखिलती कमीशन में भी आपका बड़ा ये है। इसके अलावा आपके जो है ना क़ानून के अलावा आपके दस्तरस कुरान हदीस और इल्मी दीनी मालूमात पर है, सियासी बसीरत भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो है खिदमात हैदराबाद शहरियाने हैदराबाद के लिए बड़े जो है बड़े जो है एहसानमंद हैं और हम उनके भी एहसानमंद हैं कि वो तबीयत की नासाजी के अलावा एक जज्बा हमेशा रखते हैं नौजवानों को उभारने का, उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ करने का जो है उनके अंदर जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं भी उनसे अदबन ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो माहराना क़ानूनी महारत है और फिर दीनी मालूमात को आपने साथ ब साथ जिस तरीके से जो है ले चले हैं वैसे ही अपने जानशीन पैदा करें ताकि जो है आने वाली नस्लें नौजवान हम सब उससे मुस्तफ़िद हो सके। मैं हमारे जनाब इस्माइल साहब को मुद्दबू करने से पहले हमारे जैनुलाबदीन साहब को जो है कुछ कहने का जो है तो आज जो है 937 ही आज का जो है ये खिताब मस्जिद आलिया जामिया मस्जिद आलिया कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़द किया जा रहा है और आज 20 नवंबर और उनवान है आज का कि उम्मत मुसलमा अहादीस की रोशनी में इंशाल्लाह उसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जज साहब से कि वो तशरीफ लाएंगे। तकरीर करने गए तो 700-800 लोगों ने उनकी तकरीर अटेंड की। उसके बाद जब तकरीर ख़त्म हुई तो एक आदमी बेचारा लड़खड़ाता हुआ आया और उसने कहा कि मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जबकि ट्रेनें व्रेनें नहीं होती थी, 60 मील दूर से आ रहा हूँ और अफसोस है कि मैं सुन नहीं सका। उस ज़माने में भी नहीं होता था यूट्यूब वगैरह। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ और फिर 1.5 घंटे की तकरीर वापस उन्होंने उस एक आदमी के लिए की। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों इतनी जहमत उठाए और एक आदमी के लिए फिर तकरीर की। उन्होंने कहा कि पहले भी मेरा मकसद अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना था और अल्लाह के लिए मैंने तकरीर की थी ताकि कोई उसके बंदे राह रास्त पर आ जाएं तो मुझको भी उसका अजर मिले उनको भी उसका अजर मिले। तो इसी वजह से वो एक आदमी जब 60 मील दूर से आया है तो मैंने उसको सुनाना अपना फरीदा समझा। तो आज मैं समझता हूँ 15-20 लेक्चर दिया, आज पहली बार है कि 30-40 से कम लोग मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले के जलसे में भी मैंने सरकार के बारे में कह दिया था और अब जो है उम्मत मुस्लिमा कुरान और हदीस की रोशनी में देखिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे बचपने में तो खैर को तस्वूर ही नहीं था। वो मौलवी साहब आते थे पढ़ाते थे चले आते थे, ना तजवीद पढ़ाते थे ना कुछ पढ़ाते थे, बस ये देखते थे कि कुरान पढ़ सक रहा है या नहीं। लेकिन अब लोगों में थोड़ा शऊर बेदार हुआ है, तजवीज़ भी सीख रहे हैं, तर्जुमा भी सीख रहे हैं। तर्जुमा की बात मैं आपको इससे पहले भी सुनाया कि हमारे श्रीनगर में मेरे एक दोस्त हैं बिलाल लास्की, जस्टिस बिलाल लास्की जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो उनके भाई के पास सुना, उनके बच्चे पढ़ रहे थे तो वो सूरह रहमान पढ़ा रहे थे, फबी ये अलाई रबी को बात को जबान के माने उन्होंने पूछा तो मौलाना ने कहा कि मैं कल बताऊंगा, अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे हाफिज़ कुरान किस टाइप के हैं।
बीस बीस पच्चीस पच्चीस तीस वक्त आया है फबी ये आला रबी कुमार उसका जिबान, जिसको वो सरदार जी था ना राइटर, वो भी जो है बहुत उसकी तारीफ सूर्य रहमान की किया। तो इस तरीके से जब हमको ये तक नहीं मालूम कि सभी यही फबी यही आला रबी कुमार जिबान के माने क्या हैं, जो बीस पच्चीस वक्त रिपीट हुआ है सूर्य में, तो हमको चाहिए कि कम से कम हम अपने आज के ज़माने में पोतरे पोतरियाँ नवासे नवासे सब मोबाइल में मशगूल रहते हैं और या टीवी में मशगूल रहते हैं, हमको चाहिए कि रोज़ ना सही कम से कम हफ्ते में एक दिन इतवार के दिन उनको पकड़कर एक आधा घंटा एक घंटा उनको सिखाया जाए कि कौन थे साहबा, कौन थे सरकार की इब्तिदा कैसे हुई, ये तमाम चीज़ें हमको चाहिए कि अपनी अपने नवासे नवासियाँ पोतरे पोतियाँ या जो यंग लोग हैं वो अपने बेटे बेटियों को सिखाएं। इस वजह से कि अगर एक किस्सा मैं सुना और उसका बड़ा ताज्जुब मुझे ये हुआ कि एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब, मैं नाम तो नहीं बता सकता आपको, वो आज से एक 20-25 साल पहले एक मस्जिद में, मस्जिद का नाम भी नहीं बताता मैं, आँखों में आंसू आ गए उनके। तो लोगों ने कहा क्यों आंखों में आंसू आपके, तो बोले वो वालिद का इंतकाल हुआ है लेकिन मुझे नमाज़ जनाजा पढ़ना नहीं आता। तो आप सोचिए उसूलन तो ये तरीक़ा सही तरीक़ा ये है कि बेटा भाई चचा करीबी रिश्तेदारी नमाज़ जनाजा पढ़ाए। सरकार से लोग कहते थे तो क्योंकि सरकार से बड़ी ज़ात कोई नहीं हो सकती थी, सरकार से रिक्वेस्ट करते थे कि आप नमाज़ जनाजा पढ़ाएँ और सरकार भी। और देखिए ये मखलूक के वो इतने ज़्यादा उनके उनके ऊपर हम हैं कि अगर सरकार को मालूम होता कि ये जनाजे जो रखा हुआ है वो ऐसे शख्स का है जो मखलूज है एंड लोगों का खर्च देना है, तो आप एक कहते कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, तो बाद साहबा खड़े हो जाते हैं और कहते कि हम इसका खर्ज अदा कर देंगे। तो जब आप नमाज जनाजा पढ़ाते, सोचिए आप कि हुकूक़ उल इबाद की कितनी जो है अहमियत है। इकबाल के पास एक साहब गए, हमें उनका एक मुकदमा था, इकबाल सर मोहम्मद इकबाल, जिसका आप रोज़ कहानियाँ सुनते हैं, वो कुछ ज़माना प्रैक्टिस भी किए थे, वो वकालत भी किए थे। तो उनके पास एक साहब तशरीफ ले गए और बोले भाई आप दाढ़ी नहीं छोड़ते, बड़ी बुरी बात है। तो आप लोगों को ताज्जुब होगा कि कानून जो है, कई कानून ऐसे थे जो हम मुसलमान आसानी के साथ चूँकि हमारे फेवर में आते थे और शरई कानून से हम भटक जाते थे। वो ज़मींदारी का कानून ये था कि वो बच्चों को लड़कों को मिलेगा, लड़कियों को नहीं मिलेगा। तो वो साहब जो इनके क्लाइंट थे वो भी अपनी बहन को नहीं देना चाहते। तो ये आज भी मैं जज रह चुका हूँ 40-45 साल, आज भी आपको ताज्जुब होगा कि आज भी 50% लोग अपनी बहन को हिस्सा देने को पसंदते हैं। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि बड़े भाई के हाथ में जायदाद वगैरह हो तो वो भाइयों को देने से भी कतराता है। तो हालांकि पहले सूरह बकरा में तो सिर्फ एक आयत नाजिल हुई थी कि जब तुम माल तकसीम करने लगो तो पहले अपने माँ बाप का हिस्सा दो और दूसरों को हिस्सा दो, लेकिन सूरतुन्निसा में अल्लाह ताला ने पूरों के हिस्से बयान कर दिए कि किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना हिस्सा है, माँ बाप का कितना है, बीवी का कितना है, बेटे का कितना है, बेटी का कितना है, तो ये तमाम चीज़ें बता दी गई। तो अब और एक मुश्किल क्या होती है, बाद लोग ज़िंदगी में देते हैं, तो जब ज़िंदगी में देते हैं तो ये उसूल है कि बेटा हो या बेटी हो इक्वल देना आप, क्योंकि आप तोहफा दे रहे हो ज़िंदगी में, वहाँ आधे और एक का सवाल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मेरे पास जब मैं राजौल में था, ईस्ट गोदावरी में एक मुकाम था, वहाँ उस ज़माने में फ़ायदा ये था इनकम टैक्स का कि अगर मैं आपको कुछ तोहफा देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए उस ज़माने के लिहाज से मैं आपको 20,000 रुपये मैं देता हूँ, तो तकरीबन 2,000 रुपये टैक्स मुझे देना पड़ता था, आपको नहीं। तो वो एक औरत थी, हिंदू औरत थी, वो अपने चार लड़कों को
देखिए एक एकड़ नारियल के दरख्तों में 70 दरख्त लगते हैं, हर दरख्त में 100 नारियल लगते हैं, 7000 नारियल। उस जमाने में एक रुपया एक नारियल लोग तोड़ लेते थे, इनको तोड़ के देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, भुट्टे पे देते थे। तो वो बेचारी 12 एकड़ से दीदी इन बच्चों को, अब उसको खाना खिलाने को भी तैयार नहीं कोई, और वो ये चाह रहे थे कि वो पैसे जो है वो जो 12000 देना है अपना जेवर बेच करके वो पैसे अदा करे इनकम टैक्स को। तो मेरे पास बहुत दबाव चल रहा था, मैं हालांकि जज को नहीं चाहिए लेकिन मैं काफ़ी कोशिश किया, फिर वो वकीलों को समझाया, बोला कि देखो कल तुम्हारे बच्चे भी यही हरकत करेंगे तो तुमको कैसा महसूस होगा। बहर बड़ी मुश्किल के बाद बच्चे राजी हुए देने के लिए, और फिर महीने को 100 रुपये एक एक बच्चा राजी हुआ माँ को देने के लिए, और एक कमरा और एक अटैच बाथरूम दिए। तो बाज़ वक़्त माँ बाप ऐसी मुश्किल में भी आ जाते हैं जब अपने पास कुछ नहीं रखते हुए हर चीज़ जो है दे देते हैं। और जहाँ तक वसीयत का सिलसिला है, यहाँ भी बहुत से लोग गलती में मुब्तला होते हैं, वसीयत वारिस को नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए मेरे 3 बेटे हैं और मैं ये कहूँ कि मेरे एक बेटे को आधा मिलेगा, दूसरे बेटों को शरीयत के हिसाब से मिलेगा, नहीं हो सकता। मरने के बाद वसीयत नहीं हो सकती, वसीयत सिर्फ गैर वारिसों की हद तक हो सकती है, जैसा किसी गरीबों को आप दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, जो गैर वारिस है उसको 1/3 आप दे सकते हैं। ये विरासत का मसला है। और देखिए अब मैं जैसा अभी हमारे भाई ने कहा कि मैं 250 खानदान मिल गए, बड़े बड़े झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, बड़ा अफसोस ये है। मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है और लोगों से भी कहा है कि भाई शादी के पहले इनकी काउंसलिंग हो। देखिए मैं समझता हूँ कि शायद आप सबको मालूम हो, एक तलाक से भी वही मसला हल होता है जो 3 तलाक से होता है। हुक्म ये है कि एक तलाक तोहर में दो, वो भी ऐसे तोहर में यानी हैज में ना हो औरत, ऐसे तौर में जिसमें तुमने उसके साथ हम बिस्तरी न की हो, उसके बाद अपने घर में ही रखो। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि फिर दिल में मिलान आ जाए और फिर वो हम बिस्तरी कर ले तो फिर वो शादी कंटिन्यू होती है। इस तरीके से अगर वो दूसरी तलाक के बाद भी हम बिस्तरी कर लेता है तो तारीख शादी चलते रहती है। और फ़ायदा ये है कि अगर उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं तो आप बगैर हलाला के दोनों फिर से निकाह कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है एक तलाक देने में, लेकिन 3 तलाक देने में फिर हलाला की नौबत आती है। हलाला यानी किसी दूसरे से शादी करना, फिर वो हम बिस्तरी करना, फिर उसके बाद आप उसको फिर से शादी कर सकते हैं। तो ये हम चूंकि हमको बुनियादी चीज़ें नहीं मालूम कि एक तलाक से भी वही मसला हल होता है जो 3 तलाक से होता है, लेकिन फ़ायदा एक तलाक में ये है कि आप जो है फिर से शादी कर सकते हैं उस औरत के साथ। वो 3 महीने बीत जाएं, 3 साल बीत जाएं, उस औरत के साथ दोबारा शादी करते हैं। तो हम आप मुश्किल क्या है हमको देखने के बाद, आप देखिए अब ये और बात है कि उलू में बाद-वक़्त बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर बढ़ा देते हैं, वरना अक्सर व बेशतर यहाँ दीन के फैलाने में औलिया अल्लाह का हाथ है। मैं खुद चूँकि कच्ची मेमन हूँ, कच्ची मेमन सुन्नी हनफी होते हैं यहाँ, चूँकि हैदराबाद में इंडिया में ज़्यादातर हनफी हैं, साउथ इंडिया में केरला वगैरह में शाफई लोग ज़्यादा हैं, और चारों इमाम सही हैं, किसी इमाम को आप गलत नहीं कह सकते। इमाम मलिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा, चारों के चारों जायज़ हैं। वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया, किसी ने ये करना बताया, किसी ने बताया। तो होता ये है, क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ तो वो अर्ज किया कि नहीं नहीं औलिया अल्लाह कैसा लाए जीत बता। तो हम मैं कच्ची मेमन हूँ, मेमनों में 2 मेमन होते हैं, कच्ची मेमन और हालाई मेमन। ये सरकार गौसे पाक के कोई आते हैं ना, मुरीद बनते रहते हैं, वो कोई भी मशायखों में से एक मशायख जो है
वहाँ सिंध को तशरीफ लाए। सिंध में उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, जरा पानी मंगाना बेटा, एक बॉटल मंगाना, गंदा पानी मत दो। तो वो ऊपर लाइब्रेरी में है बॉटल लेके आओ। तो वो लोग मुसलमान हुए, और जब लोग मुसलमान हुए तो उनको सताया जाने लगा। हालांकि हुकूमत मुसलमानों की थी, लेकिन उनके खानदान वाले ये लोग सताने लगे। तो देखिए यार, यहाँ फिर एक बात और कर लीजिए आप कि साफ पानी फुल वली अल्लाह नहीं है, अल्लाह है, लेकिन दुआ उनकी अल्लाह ताला कबूल करता है, नेक लोगों की दुआएं जल्दी। जो आपने दुआ दी, क्या दुआ दी? उन्होंने कहा कि सरकार की दो सुन्नतों पर अमल करो, एक हिजरत करो और दूसरा तिजारत करो। हिजरत के लिए उन्होंने बताया कि राना ऑफ कच्छ, वहाँ एक छोटा सा रास्ता है राना ऑफ कच्छ, उससे आप जाएं तो बड़ी जल्दी से आप एक तीन चार दिन के अंदर आप कच्छ को पहुंच जाते हैं। उस जमाने में, चूंकि उस जमाने में प्लेनें ट्रेनें वगैरह नहीं थी, तीन चार दिन में आप कच्छ को पहुंच जाते हैं। जो जो कच्छ में रहे वो कच्छी मेमन कहलाए, और जो आपके हालार बोलकर एक मुकाम था, जाओ हालार में ठहरे, वो ये आप लिखते हैं तो ये हमेशा हमारे लोग पूछते रहते, कुछ किताब पेपर में देने दिए जी, कुछ लिख के दे दिए तो मेहरबानी आप। तो बहुत से लोग जो है वो हालार कहलाए, हालाई मेमन कहलाए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, और मैं रो रो कर अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ करता हूँ कि हमारे कच्ची मेमनों ने नहीं मालूम है क्या उनके जहन में डाल दिया हिंदुओं ने, कि वो यहाँ तक विरासत का मसला था, वो 300 साल तक विरासत हिंदू तरीके से तकसीम करते थे। थे मुसलमान, नमाजी थे, रोजगार थे। हदी है कि आपको ताजुब होगा कि साबू सिद्दीक सराय, जहाँ पहले सिवाय बम्बई के कहीं से आप हज को नहीं जा सकते थे, जहाँ लाखों लोग ठहरते थे, वो एक एक कच्ची में मन ने दी है, वो एक ही कच्ची में मन की दी हुई जायदाद है। इतना करते थे, लेकिन अपनी बहनों को जहर दे देते थे, हिंदू लॉ अप्लाई करते थे वहाँ। तो फिर अंग्रेजों को कहना पड़ा कि अगर तुम मुसलमान हो तो मुस्लिम लॉ अप्लाई करो, हिंदू लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। उनको बाजाबता एक एक्ट बनाना पड़ा 1938 में कि आइंदा से बहनों का हक तुमको देना ही पड़ेगा, बहनों का और बेटियों का। तो देखिए, लेकिन ये दुआ की कबूलियत देखिए आप, आपको हैरत होगी कि आज भी 90% मेमन लोग, चाहे हलाई मेमन हो या कच्ची मेमन हो, कारोबार में। खुद मेरे नवासा पोतरे हर कोई कारोबार में है तकरीबन, सिर्फ मैं नहीं मालूम कैसे पढ़ाई की लहर में आ गया। तो तमाम लोग कारोबार में रहते हैं। तो हमारी जिंदगी जो है कुरान और सरकार के हदीस के मुताबिक हो। बड़ी मुश्किल ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं जानते हैं। एक बड़े बुजुर्ग खाने के लिए गए किसी जगह पे, वो बड़े शहंशाह का महल था, ये भी गए थे, वो गैर मुस्लिम थे। तो खाने कुछ गिरा, ये उठा के खाने लगे तो बाजू वाले साहब ने टोका और कहा कि लोग कुछ अजीब हैरत से देखेंगे आपको। तो उन्होंने कहा, क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए सरकार की सुन्नत को छोड़ दूँ? सरकार के हाथ से कभी निवाला इधर गिर जाता था तो उठा के खा लेते थे, अगर वो नीचे का गलीज ना हो तो। तो ये देखिए, इस तरीके से सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हम आज किसी सुन्नत पर अमल नहीं करते। हदीये के शादियों में मैं भी कहता बहुत कुछ हो, मैं भी वही गलती किया, लेकिन उतनी बड़ी गलती नहीं किया, थोड़ी गलती ये किया कि जहेज वहेज तो मैंने बेटियों को नहीं दिया, लेकिन खाने का व्यवस्था मैंने रखा। तो उसूल ये है कि लड़के को खाने के लिए भी आप बुलाने की ज़रूरत नहीं लोगों को, और हज़ारों सैकड़ों लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं। सरकार के एक साहबी थे, एक दिन जो है वो कुछ पीला पीला कुछ नजर आया, तो आपने कहा, मैं नाम बोल रहा हूँ, अच्छा आप नाम बताएं उनका। वो ये कह रहे थे कि क्या बात है, किधर तुम्हारी सरकार, मेरी एक शादी हो गई। देखिए, हुजूर को नहीं बुलाए तो हुजूर बुरा नहीं माने। फिर हुजूर ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास गुंजाइश है
तो कम से कम एक बकरा या एक बकरी काटकर वलीमे की दावत करो। आपने वलीमे की दावत की लेकिन फिर भी सरकार को नहीं बुलाए। और आज हमारों की हालत यह है कि अगर पुरानी पहचान है और कोई हमको दावत में नहीं बुलाया तो फिर हम उसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करेंगे। आज शादियों में जाके शादियों खानों में देखिए, आज कम से कम मैं आपसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 3 करोड़ से 5 करोड़ तक सिर्फ शादी खानों का किराया मुसलमान देते हैं। 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का सिर्फ किराया, और खाने का भी 3 करोड़ से 5 करोड़, यानी 10 करोड़ रुपये हमारे मुसलमान भाई शादियों पे खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, हम सुन्नत पे तो खती अमल नहीं करते, सुन्नत की कोई चीज़ पे अमल नहीं करते। और आप देखिए कि कैसी आपकी दयानतदारी है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, सरकार की दयानतदारी, ईमानदार, अमानतदारी, इस वजह से सरकार को अमीन कहते थे। कुफार जो थे वो अमीन कहते थे। हद ये है कि जब आप पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि पीछे से अगर मैं ये कहूँ कि पीछे से एक फौज आ रही है तुम लोगों को कत्ल करने के लिए, तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? हम आपकी बात को मानेंगे क्योंकि हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना। आप अंदाजा लगाइए, 40 साल की उम्र हो गई और किसी ने झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कम से कम 40 दिन हमारे ऐसे गुजार दे जिसमें हम झूठ ना बोले। 40 साल की उम्र में आपने झूठ नहीं बोला, तो नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा हम यकीनन मानेंगे, तो आपने कहा ऐसा नहीं है। और उसके बाद दीन इस्लाम पेश किया, तो अबी लहब ने गालियां वालियां बक के आपको दूर चला गया। उसके बाद ही वो सूरत नाजिल हुई, तब यदा अबी लहब हो तब। और कुरान की जो सच्चाई और संजीदगी है वो ये है कि कुरान में अगर खुदा ना खास्ता कुरान में कुछ गलती होती, नौजुबिल्ला, ये अल्लाह का नाजिल करदा ना होता, तो अबू लहब ज़बरदस्ती चुप बताने के लिए ईमान ला लेता। मुसलमान नहीं होता दिल से, लेकिन बताने के लिए ईमान ला लेता ताकि इस सूरे को गलत साबित करे। लेकिन चूंकि ये सूरा अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुआ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए हैं, सरकार ने इसको पढ़ा है, तो ये चूंकि खुदा की तरफ से है तो उसको मजाल नहीं हुई कि वो नकली तौर पर भी ईमान लाता। तो हमारी ज़िंदगी में आप देखिए, हमारा खाने, हद ये कि यहूदी ने पूछा क्या तुम्हारे पैगंबर तुमको इजाबत का और तहारत का तरीक़ा भी सिखाते हैं? तो उन्होंने कहा बेशक ये तरीक़ा भी हमको सिखाया जाता है। तो आज हमें कितनों की याद है, मुझे भी याद नहीं है कि आपको वो बैतुल खुला जाते वक्त क्या आयत पढ़ना चाहिए, आपको याद है ना? मेरे को याद है, बहुत सो याद नहीं है। निकलने के बाद क्या बोलना वो भी याद नहीं। तो हम खाते वक्त क्या बोलना, खाने के बाद क्या बोलना, किसी मेहमान के घर में जाके आप खाना खाए किसी मेज़बान के घर में तो क्या बोलना, किसी बीमार को आप जाके देखें तो क्या बोलना, ये तमाम चीज़ें हमको सिखाई गई। फिर आप देखिए सरकार की जो इज्जत है वो बाद लोग बेनतिया गुलू कर देते हैं, इतना गुलू कर देते हैं कि नऊज़ बिल्लाह से अल्लाह के बराबर पहुँचा देते हैं। बास कवालियों में है ये, अगर आप नहीं सुने हैं तो तालीम होता मुझे, बास कवालियों में ऐसे बातें करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक शायर ने कहा बाद अस बुजुर्ग तू ही, यानी अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग तरीन शख्सियत सरकार ही की है। लिहाजा आप देखिए, अगर मैं गलती नहीं खाता हूँ तो सूरह नूर में ये कहा गया कि देखो खबरदार तुम्हारी आवाज़ सरकार की आवाज़ से बुलंद ना हो जाए, वरना ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे सारे आमाल अकारत हो जाए। सारे आमाल में नमाज, रोज़ा, हज, हर चीज़ आ गई। तो देखिए कितना अदब है। फिर आगे फरमाया कि कुछ लोग, वो बदवी लोग जो बाहर से आते थे, गांव वाले आके बाहर से आपको पुकारते थे या आकर आपको बाहर से पुकारते हैं, इनको चाहिए कि ये बाहर से न पुकारें बल्कि उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि आप आएँ। फिर तीसरी और एक आयत नाजिल होती है, वो आयत ये नाजिल होती है
कि आप तुम लोग जब खाना खा लो, सरकार अगर खाने की दावत दें और खाना खा लो तो ज्यादा देर मत बैठो, सरकार तकल्लुफ करते हैं, आपको नहीं बोलते हैं लेकिन आपको चले जाना चाहिए। अब मदीना जब जाओ तो ये आवाज़ बुलंद मत करो, यही आयत जो है लिखी हुई है कि सरकार की आवाज़ से आवाज़ बुलंद ना करो। तो हम मुसलमानों को देखने के बाद लोगों को ये चाहिए कि वो समझे कि एक चलता फिरता सरकार के पैर के जूतियों की मट्टी के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बीबी आयशा से जब किसी ने पूछा कि आज सरकार के आदात इतवार कैसे थे घर के अंदर, तो उन्होंने कहा क्या तुमने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? तो लोगों ने कहा हाँ साहब हमने पढ़ा। तो बोले बस सरकार क्या थे, चलता फिरता कुरान से। तो इस तरीके से वो है। फिर सरकार की हदीसें हैं, आप देखिए सरकार कितने एहतियात बरतते थे और कितना सिखाते थे। और आपकी ख्वाहिश हमेशा ये होती थी कि उम्मत आगे बढ़े, उम्मत के लिए वो रोते रहते थे, उम्मत के लिए दुआएं करते रहते थे। और हमको ये तवक्को करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको उनकी शफा नसीब फरमाए क़ियामत के दिन, और आप एक कौसर से पानी उनके हाथ से हम पी सकें। देखिए ये दुनिया तो ऐसी है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि लोगों से पूछा जाएगा कि तुम कितने दिन रहे, तो वो कहेंगे कि एक दिन या उससे कुछ कम। मुझे भी ऐसी महसूस होता है, उसकी वजह मैं बताता हूँ कि 2000 में जब मैं रिटायर हुआ 60 साल की उम्र में, तो 5 साल मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर आंध्र प्रदेश एंड पूना। मैं बोला 5 साल मिल गए, यूँ देखे देखे तक 5 साल ख़त्म हो गए। फिर राजशेखर रेड्डी साहब ने फिर 5 साल के लिए अपॉइंट किया ह्यूमन राइट्स में, वो देखते देखते ख़त्म हो गए। उसके बाद 2 साल तक इंक्वायरीज करते रहा वक्फ बोर्ड में, वो 2 साल ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद 3 साल मैंने किराए बढ़ाए, 1 करोड़ रुपये तक किराया बढ़ाया सालाना, माहाना सालाना। उसके बाद अब 6 साल से मियाँ बीवी की झगड़े चुकाते आ रहा हूँ। तो मतलब ये है कि दुनिया कितनी मुख्तसर है, आप कितना भी जी लें। कुरान में भी एक आयत है कि आप यहूदियों को आप सबसे ज़्यादा तंदिल पाएंगे, और उनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीना, हर एक की ये ख्वाहिश है कि कम से कम वो 1000 साल जिंदा रहे। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो 1000 साल भी जिंदा रहे तो फिर भी उनको इस दुनिया से वापस जाना है। तो हमारी जो कैफियत है वो कैफियत ये होना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में जब एक आदमी हमको देखे, देखिए ना कहीं जगह सरकार ने कभी तफरीखा नहीं किया। हद ये है कि एक औरत जो आप पर दिन रात कचरा फेंकती थी, सर पे गलाजत फेंकती थी, वो जब बीमार होती है, वो अगर मैं गलती दिखाता हूँ तो यहूदी औरत थी, उसके बावजूद आप उसके घर को जाकर उसकी इयादत करते हैं। फिर इसी तरीके से एक मासूम बच्चा आता था, वो नहीं आया तो आप जाके उसकी इयादत किए, फिर कलमे की तलखीन किए, बाप उसके बाप ने इजाज़त दे दी, वो कलमा पढ़ा और 15-20 मिनट के अंदर उसका इंतकाल हो गया। तो आपने देखा कि सरकार हर एक के साथ बहुत मोहब्बत से, और सबसे ज़्यादा 2 ख़ास चीज़ें आप याद से पढ़िए, वो किताब आपको मिलती भी है, लास्ट सेरेमन ऑफ द प्रॉफिट, हजरतुल विदा का खुतबा। हाजी आप लोगों को ताज्जुब होगा कि सरकार, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है वो और बात है, सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया और एक उमरा किया। उमरा को जब जाने वाले थे तो सुलह हदीबिया हुई, वापस से जाना पड़ा, वहीं बकरे वकरे काट दिए, फिर उसके दूसरे साल उमरे को जाके आए। तो एक उमरा किया सरकार ने, उसके बाद फिर एक हज किया। खैर वो हज के साथ उमरा करे वो और बात है, लेकिन सिर्फ करे 2 सरकार ने, हज 2 किए, एक उमरा किया एक हज किया, 2 हज 2 नहीं किए, उमरे 2 किए और हज 1 किया। तो आप देखिए कि हमको सरकार के कदम कदम चलना है। और देखिए अगर कोई बेइंतहा ज़रूरतमंद है, फ़र्ज़ कीजिए हम 10 उम्रे कर चुके हैं, आप कीजिए अगर आपके पास गुंजाइश है, 11 भी कीजिए, 12 भी कीजिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हमारे शायर थे, नाम बोल रहा हूँ उनको, उन्होंने 30 हज किए थे। कितने हज? 30 हज किए थे। तो वो हज़रत इमाम
हाँ, हुसैन ने भी काफ़ी हज किए थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन छोटे जो शहीद हुए करबला में, वो भी जो है काफ़ी हज किए थे। तो आप हज कीजिए, हज पे एतराज़ नहीं, लेकिन अपने पड़ोसियों का, अतराफ़ अपने गरीब रिश्तेदारों का, इन लोगों को भी आपको ख्याल रखना चाहिए। हमको जो है देखने के बाद लोग ये कहें कि ये, मैं जब एक हमारे हिंदू हाईकोर्ट जज साहब थे, उनसे जब बहस हो रही थी तो मैंने कहा कि हमारे कुरान में एक है ये है, उन्होंने कहा कि आपके कुरान में कत्ल करने की भी आयतें हैं, वो जो नामाकुल 26 आयतें निकालो बोल रहा था, वो कॉन्टेक्स्ट से हटके हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। तो लेकिन आम हुक्म क्या है, आम हुक्म ये है कि तुम अगर किसी एक इंसान को बिला वजह कत्ल करते हो तो ऐसे है जैसे सारे जहां को तुमने कत्ल कर दिया, और किसी एक इंसान को की जान को बचाते हो तो ऐसे है जैसे सारे इंसानों की जान को बता दिया। देखिए ना, या काफिर कहा गया, ना यहूदी कहा गया, ना ईसाई कहा गया, एंड इस्लाम में हर एक के साथ अच्छी गुंजाइश करने की हुक्म है। यहाँ तक हदीस शरीफ है, जाहिर बात है अल्लाह ताला ये नहीं हुक्म दिया होगा, हदीस शरीफ ये है कि मुसलमान जो है, अभी है पांच एक पॉइंट में बोल सकता हूँ, हदीस शरीफ ये है कि मुसलमान वो है जो हर एक के साथ बराबरी का बर्ताव करे। आपको ताजुब होगा कि जब मक्का फतह होता है तो कितने कत्ल हुए होंगे, आप सोच सकते हैं, अगर मैं गलती नहीं खाता हूँ तो सिर्फ 13 या 14। उसके बाद जब सरकार हजरत बिलाल को ऊपर चढ़ाए काबे के ऊपर, और हजरत बिलाल ने अजान दी, तो उसके बाद बाद लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ हमारे वालिदैन मर गए, वरना एक गुलाम को चढ़कर काबे पे अजान देते हुए उनको बड़ी तकलीफ होती थी। और एक साहब काबे की कुंजी सरकार जब मांगे थे, जब तो इनकार कर दिए थे, तो आप देखिए क्या होता है, ये लोग पूछते हैं सरकार से, तो सरकार वो कुंजी ले लेते हैं उनसे, फिर कहते हैं, फिर सब लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या उम्मीद करते हो मुझसे, तो लोगों ने कहा कि आप एक शरीफ बाप के बेटे हैं और एक शरीफ आदमी हैं, हम आपसे नेकी की उम्मीद करते हैं। तो आपको ताजुब होगा, तमाम मुल्ज़िमों को जिन्होंने 13 साल तक आपको, तमाम मुसलमानों को, गुलामों को तो पत्थर पर लिटाकर, रेती पर लिटाकर गर्म पत्थर जिनके सीने पर रख दिए गए, वो तमाम लोगों को आपने माफ़ कर दिया, और आपके साथ सहाबा की शान भी मुलाहिज़ा फरमाइए, उन लोगों ने भी माफ़ कर दिया, और किसी ने भी अपनी दौलत और अपने मकानों को नहीं मांगा, हालांकि वो लोग मकान छोड़कर गए थे मक्के से, चाहते तो एक वकील की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना मकान में तलब कर सकता था, दावा कर सकता था, जब तो सरकारी जज थे, सरकारी आए थे, तो मकान भी ले सकते थे, और जो जो जायदाद और जो जो पैसे छोड़ के गए हैं वो ले सकते हैं। लेकिन साहबा की भी तारीफ कीजिए कि सरकार की कितनी पैरवी करते थे, कि ना उन लोगों ने मकान लिया, ना उन लोगों ने कोई दौलत जो छोड़कर गए थे वो दौलत ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मक्के के लोग इस्लाम लाते गए, और देखते देखते पूरा मक्का, तकरीबन पूरा मक्का मुसलमान हो गया। इसी तरह से देखिए, ये कुरान में है कि यहूदी सरकार को ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बेटे को जानते हैं, कौन नहीं पहचानेगा अपने बेटे को, तो फिर वो उनकी ईमान नहीं लाने की वजह क्या थी, उनकी ईमान नहीं लाने की वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से तमाम औलाद अब तक जो है अम्बिया बने, और ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, लिहाजा गुस्से में उन्होंने ईमान नहीं लाया सरकार पर। हालांकि उनको मालूम था, और कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि सरकार को ये ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने, मुझे वो जाकिर नायक साहब की याद नहीं है, वरना आपको तो हैरत होंगी कि हिंदुओं की भी जितनी किताबें हैं जो टेढ़े बेंगे हो गए हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें बाकी हैं कि एक पैगंबर पैदा होंगे जो रेगिस्तान में होंगे, जो ऊँट पे रहेंगे, ये तमाम चीज़ें हिंदुओं की किताबों में भी लिखी हुई है। तो इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है, चूँकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने, देखिए अल्लाह ताला कभी सज़ा नहीं देते किसी को, इत्तला दिए बगैर सज़ा नहीं देते, इस वजह से अल्लाह ताला ने
पूरी दुनिया में पैगंबरों को भेजा, 1,24,000 पैगंबर खाली मक्का मदीना मिस्र वहाँ टर्की वहीं तो नहीं आ सकते थे, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा। और वो किताबों को उन्होंने बाद में, हमको नाम याद नहीं है, जबूर है आपके, ये ईसाइयों की किताब है, यहूदियों की किताब है, और तौरात है, इंजील है, कुरान शरीफ है, दूसरे किताबों के नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन हर जगह अल्लाह ताला ने हर कौम में पैगंबर भेजा है और अल्लाह की वहदानियत को बताया है। मैं जब औरंगाबाद गया तो मुझे ताजुब हुआ, वो के बज़ाहर बुद्धा भी कुछ अल्लाह के ताले में बोलते हुए उसकी तालीमात में मैं तो नहीं देखा, लेकिन वो पूजा वगैरह नहीं करता था, लिहाजा उसके मरने के 300 साल बाद बुद्ध बनने शुरू हुए औरंगाबाद में। मैं देख के आया, वो जो डिस्कवरी हुई वो निज़ाम के दौर में हुई उसकी डिस्कवरी, उसके पहले वो डिस्कवर नहीं हुए थे, वो बंद था निज़ाम के दौर में या महबूब अली पाशा के दौर में उसकी डिस्कवरी। तो हमको ये चाहिए कि हमको जब लोग देखें तो वो समझें कि भाई ये हदीस पर पक्के पक्के चलते हैं, ये सरकार की बातों पे अमल करते हैं, अपने पैगंबर की बातों पर अमल करते हैं। आप देखिए कैसा अमल है, लोग जान के दुश्मन हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, नौज़ुबिल्लाह आपको शहीद करना चाहते हैं, लेकिन आप हज़रत अली को लिटाते हैं। और हज़रत अली की जरूरत देखिए, वो लेटते हैं, मालूम है कि ये गलती से मुझे कत्ल कर सकते हैं, लेकिन जब सब लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हज़रत अली सो रहे, तो आप कत्ल नहीं करते। और हज़रत अली जो है सबकी अमानतें वापस लौटा कर जाते हैं। देखिए दुनिया भर की दुश्मनी है, लेकिन अपनी कोई कीमती चीज़ दूसरे काफिरों के पास नहीं रखाते, हुजूर के पास रखाते हैं, तो पूरे वापस किए। किसी ने कहा हज़रत अली को, तुम रात भर डर के मारे नहीं सोए होंगे, उन्होंने कहा खुदा की कसम जितनी नींद प्यारी नींद इस रात आई है किसी रात नहीं आई। लोगों ने कहा कैसे नहीं आए कैसे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार ने कहा था कि सुबह उठकर तुम सबकी अमानतें वापस करो और उसके बाद मदीने में आओ, तो मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह मैं मदीना पहुंच जाऊंगा। तो आपने देखा कि कई और कई चीज़ें हैं। और देखिए अल्लाह ताला कैसा माफ़ करने वाला है, ये छोटा सा किस्सा सुना के आपको ख़त्म करूँ। बीबी आयशा पर जब बोहतान बांधे गए जो गलती से, और बहुत बड़ा बोहतान, ऐसा बड़ा बोहतान। और ये देखिए यहाँ फिर मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ कि सरकार को इल्मुल गैब था बोलना, ये गलत है, शिर्क है। सरकार को इल्मुल गैब बेशक था, कुरान शरीफ में भी है कि हम पैगंबरों को जितना चाहते हैं इल्मुल गैब देते हैं। तो देखिए सरकार जब गलती से एक बार यहूदी पूछते हैं सूरह कहफ़ के बारे में, तो आप इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, तो क्योंकि पैगंबर हैं 15 दिन तक नाजिल नहीं होती, 15 दिन के बाद सूरह कहफ़ नाजिल होती है। और वही सरकार हैं जो आप मक्के से मदीना भाग रहे हैं मोटे अल्फाज में, भागने हैं नौज़ुबिल्लाह, सरकार को भाग रहे कैसा बोलेंगे, जब वो हिजरत कर रहे हैं। तो एक आदमी जो आता है आपके पीछे 3 वक्त घोड़े में धसता है बचता है, तो सरकार कहते हैं तेरे हाथ में मैं कसरा के कंगन देख रहा हूँ, कसरा यानी ईरान के बादशाह के कंगन तेरे हाथ में देख रहा हूँ। तो देखिए जब अल्लाह बताना चाहता है तो इस कैफियत में भी आपको बताता है, और जब नहीं बताना चाहता है तो बीबी आयशा के ताल्लुक से 30 दिन तक सरकार को नहीं बताया गया। तो उसमें एक हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार थे, वो भी बड़े सहाबी, और सहाबी बदर, तमाम सहाबी बदर को अल्लाह ताला ने जन्नत से नवाज दिया, ऐलान कर दिया अल्लाह ताला ने। तो लेकिन आप भी उस प्रोपगंडे में आप भी शरीक हो गए। तो लोगों ने कहा हैरत का मुकाम है, तो आप हज़रत अबू बकर उनको माहाना खर्चा देते थे, उनकी आमदनी का ज़रिया नहीं था, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर ने कसम खाई कि आइंदा से मैं इसको एक दिरहम भी नहीं दूंगा। फौरी आयत नाज़िल हो गई कुरान की, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे, लिहाजा तुम भी लोगों को माफ़ करो। तो हज़रत अबू बकर ने उसका कफ़ारा अदा किया, एंड जब कसम अल्लाह की कसम खाते हैं और आप काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कफ़ारा अदा किया, और कफ़ारा अदा करने के बाद आपने फिर उनको जारी कर दिया। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ
कि मैं वो वक्त तो बहुत लेता हूँ, बोल तो बहुत लेता हूँ, नेक बातें कह लेता हूँ। अल्लाह मौत करीब आ रही है हम सब की, अल्लाह हम सबको कुरान पर और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन और तमाम रिश्तेदार, तमाम मोमिन मुसलमान जो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह अल्लाह तो उनको सेहत तो आफिए वो उनको जन्नत अता फरमा। अल्लाह हम लोग सब जब मरने लगे तो हमारे मुंह पर कलमे तैयबा नाजिल हो जाए। अल्लाह तेरे गज़ब से बचा, दोज़ख से बचा, जन्नत अता फरमा। हमारे दुआओं को अपनी रहीमी करीमी आखाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिब नबीन शबील मुजमीन राहतला शरीन सराज सालिकीन महबूल फ़करा और मसाकिन के सदक़े और अपनी रहीमी करीमी सत्तारी के सदक़े अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मुसलमान। और मुसलमान होने का तो दावा करते हैं, लेकिन हम असल जो है, जो हमारे अखबार होने चाहिए, हमारे तरीक़ाकार होने चाहिए, हम उस पर अमल नहीं करते। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हम हदीस और इसकी रोशनी में ज़िंदगी के गुजारने का तरीक़ा जो है जानें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, उनके तरीक़ेकार को हम अपनी निगाहों के सामने रखें और अमली ज़िंदगी बसर करें। जैसे आपने फरमाया कि हम लोग खाना खाते हैं दुआ में मालूम खाने के, बैतुल खला को जाते हैं, यकीन मानिए आपने कहा कि अब तक हमको भी नहीं मालूम। तो आपने ज़रा देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बैतुल खला के जाने के बाद हाजत को किस तरीके से आबदोश लेना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप इजाबत से खारिग होते हो तो ये दाएं हाथ की जो है बीच की उंगली से अपनी शर्मगाह को यानी अपने मकसद को, उस जगह को जो गंदी है उसको पीछे से ऐसे ही आगे किया करो। पानी की जितनी भी आपको ज़रूरत है उससे ले लिया करो। ये तरीक़ा बताया गया हमको, लेकिन हम वाकिफ नहीं हैं। जैसे जज साहब ने बरमला आपने कहा कि हम इस उम्र में आने के बाद में भी हमको नहीं मालूम। बैतुल खला से फारिग होते ही हम अजाबत से फारिग होते हैं हम, लेकिन उसके बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए हमको नहीं मालूम। और यकीन मानिए आप अगर उस दुआ को आप सुन लें और उसके मानों को समझ लें तो यकीन आप कभी उसको नहीं छोड़ेंगे। इजाबत के बाद दुआ है अल्लाहुम्मा अज़हब अनिल आज़नी वल आफ़नी। ऐ अल्लाह, दुआ के माना देखिए आप, ऐ अल्लाह तू जो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाने वाली, अज़ा देने वाली, तकलीफ दाती उसको तूने खारिज कर दिया। अल्लाहुम्मा अज़हब अनिल आज़ाई बल आफनी और मुझे आफियत अता फरमाई। कितनी प्यारी दुआ है देखिए, ऐ अल्लाह तूने जो हमको तकलीफ देने वाली शय थी उसको खारिज कर दिया और हमको आफियत बख्शी। और यकीन मानिए आप देखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर करते एक दिन बैतुल खला ना आए, आपको बंद हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, पाखाना बंद हो जाए, तो क्या हालत होती है। तो अल्लाह की जो है ये दुआ जो है, ये जो है अल्लाह के अल्लाह तो ऐसा ये हमको जो है एक ऐसी चीज़ से हमको नजात देगी जो तकलीफ दा थी। कितनी प्यारी दुआएं हैं, कितनी प्यारी जो है ये। खाना खाने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा अतआमना सखाना व जालना मिनल मुस्लिमीन, हम ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़ते हैं, माने भी मालूम है हमको। आए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। लेकिन जब यही चीज़ हम खाना किसी अजीज़ के पास खाते हैं, किसी दोस्त के पास खाते हैं, किसी दूसरों के पास जब खाते हैं अपना घर छोड़ के, तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है इसके अंदर दुआ में। अल्लाहुम्मा अतआमन मिन अतआमना सखान मिन सखाना व जालना मिन मुस्लिमीन। जब देखें कि हम लोग कितना अमल करते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगियों को अगर झांक के देखें तो हम बहुत सारे खला हम इसके अंदर महसूस करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौर पर नसीब अता फरमाए। बाकी दुआ।